नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं उसको चेक कैसे किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है। तो मल्टीमीटर की मदद से आप कैसे सभी कंपोनेंट्स को टेस्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो हमें सभी कंपोनेंट्स की टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हर कंपोनेंट्स के टेस्ट करने का तरीका अलग होता है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जो है सभी कंपोनेंट्स को एक ही तरीके से चेक करते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं कि कंपोनेंट सही है या खराब है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कल कंप्लीट बताऊंगा कि आपको कौन सा कंपोनेंट किस तरीके से किस मोड पे चेक करना है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, और वीडियो समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो और भी मेरे अच्छे वीडियो है वो भी आप देख पाएँ, जो मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ वो भी आपको मिलते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं और आप सबको बताते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपाउंड लगे होते हैं उनको कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ हमारा मल्टीमीटर है। तो पहले मैं मल्टीमीटर के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या फंक्शन है और कहाँ पर क्या क्या चेक आप कर सकते हैं। तो देखिए, अभी जो हमारा मल्टीमीटर है, ये जो है हमारे पास रिश का MX10 है। सभी मल्टीमीटर दोस्तों एक ही तरीके से काम करते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता। कंपोनेंट्स को चेक करने का सिंबल यहाँ बना हुआ है, वोल्टेज चेक करने का सिंबल यहाँ बना हुआ है, और भी जो फंक्शन है वो सारे के सारे आप इस रोटरी के चारों तरफ देख सकते हैं। और कंपोनेंट चेक करने के लिए दोस्तों, आप ये मल्टीमीटर यूज़ करें या फिर कोई और मल्टीमीटर यूज़ करें, सस्ता करें महंगा करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सभी मल्टीमीटर से जो कंपोनेंट को चेक करने का तरीका एक ही जैसा होता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम मल्टीमीटर को फंक्शन समझ लेते हैं। देखिए, अभी जो हमारा मल्टीमीटर है ये ऑफ मोड पर है, ठीक है। अगर हम इस मल्टीमीटर को रोटरी को थोड़ा सा नीचे की तरफ घुमाएंगे, यहाँ पर देखिए इस सिंबल पर, तो ये जो हमारा AC मोड पे चेक करने के लिए हो जाता है। देखिए, यहाँ पर जो है ये वाला सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये AC मोड का है, यानी कि जो हमारा जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो AC होती है, उसकी जो है वोल्टेज को चेक करने के लिए ये है। अगर आप फंक्शन का यहाँ बटन दबा देंगे तो यहीं जो है आपको सामने बिल्कुल हर्ट्स दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो जो वोल्टेज आ रहे हैं उसके अंदर जो है वो करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी है, ठीक है, करंट कितना उस पर चल रहा है, फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, तो ये यहाँ पर वो दिखाई देने लगता है, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों, आप ये देखेंगे यहाँ पर, देखिए आप देख सकते हैं कि ये हमारा DC मोड है, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो सप्लाई होती है वो DC मोड पर होती है, तो ये DC हो गया, ठीक है। और ये जो है हमारा सेल्सियस को नापने के लिए, टेम्परेचर को नापने के लिए यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट की, जो अभी हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर अगर चेक करेंगे इस वाले मोड पर, तो ये ओम का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे ओम का सिंबल है। तो यहाँ पर आप हर तरीके की रेजिस्टेंस को यहाँ चेक कर सकते हैं, 0 ओम से लेकर के आप मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस लाइन पर, ठीक है। ये लाइन आपको दिखा दे रही है, इस लाइन पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको करते हैं इस जगह पर, तो ये दोस्तों ये सिंबल हमारा डायोड का सिंबल है। तो आप कोई भी डायोड, मॉस्फेट, ट्रांजिस्टर सभी जो है आप इस मोड पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्रांजिस्टर आपको चेक करना है वो भी इसी मोड पर चेक होगा, डायोड चेक करना है वो भी इसी मोड पर चेक होगा, मॉस्फेट चेक करना है वो भी इसी मोड पर चेक होगा। साथ में जो है यहाँ पर आप ये फंक्शन का बटन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक बीप का साइन बन के आया और यहाँ पे ओम हो गया है। तो यानी कि अगर आपको 0 ओम तक का रेजिस्टेंस चेक करना है, यानी कोई ऐसा चेक करना है जो फ्यूज़ वगैरह है वो चेक करना है, तो आपको इस मोड पर लगा कर चेक कर लेना। देखिए यहाँ पर बीप बजना चाहिए, देखिए इस तरीके से अगर हम यहाँ पर इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बीप यहाँ पे सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, फ्यूज हो गया, जो 10 ओम से नीचे होते हैं या तो 10 12 15 20 ओम तक के जो होते हैं वो यहाँ पे चेक हो जाते हैं आराम से, ठीक है। क्योंकि इसके बाद तो फिर आपको रेजिस्टेंस पे ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसका दोस्तों हम बात करते हैं इस मोड पर, तो देखिए ये हमारा कैपेसिटर मोड, यहाँ पे आप जो अपने कैपेसिटर वगैरह को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें, यहाँ देखिए ये एम्पियर है, तो आप इसका करंट नाप सकते हैं, मिली एम्पियर या एम्पियर नाप सकते हैं इसमें, इसमें आप एम्पियर नाप सकते हैं, DC एम्पियर है, ये AC एम्पियर है। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। तो फिलहाल हमें जो आज जो हमें वीडियो बना रहे हैं, जो आज जानकारी हम लेने वाले हैं, उसमें हमारे 1 2 3 ये तीन फंक्शन हम काम यूज़ करके देखेंगे कि ये तीनों फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों फंक्शन से ही आपको कैसे अपने कंपोनेंट्स को चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको एक ये वाला जो दिखाता हूँ, ये एक रिले है। सबसे पहले मैं आपको एक रिले चेक करके दिखाऊंगा कि आखिर ये रिले कैसे काम करता है और कैसे इसको हम टेस्ट करना चाहिए हमको, ठीक है। तो देखिए रिले में क्या है, बेसिकली 5 आपको पिने दिखाई दे रही हैं, ठीक है, थीके? जिसके अंदर 2 पिने ये वाली जो है, ये इसकी ट्रांसफार्मर जो अंदर लगा हुआ है, इसमें जो क्वाइल लगी हुई है जो इसको ऑन ऑफ करती है,
उसकी पिने हैं, ये जो है चेंजर है, ठीक है, तीन पिने जो एक बीच वाली और ये चेंजर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऑन ऑफ वाला ही चेक करेंगे कि ये ऑन ऑफ का जो कॉयल है ये वर्किंग में है कि नहीं है। तो देखिए इसके लिए हमने रेजिस्टेंस मोड पे इसको लगा के रखा हुआ है, और अगर हम इसको यहाँ पे टच करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मल्टीमीटर के ऊपर कुछ एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दी है, ठीक है, कुछ वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। ये 1.6 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे बनती है। इसमें जो वायर लिपटा हुआ है ना, वो वायर इतना लिपटा हुआ है कि उसकी जो जो उसका करंट कंजप्शन का जो है वो रेजिस्टेंस जो है आपकी 1.6 किलो ओम तक का बन जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर जो है ये ओपन होता, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं करता, तो ये आपका रेजिस्टेंस, सॉरी आपका जो रिले खराब हो सकता था, आपका रिले का जो ट्रांसफार्मर है, जो कॉयल है इसके अंदर, वो खराब हो गई है, ठीक है, वो कहीं से ओपन वगैरह हो गई होगी, तो इस वजह से ये यहाँ पे जो कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। वरना जो वरना तो देखिए रिले अगर ठीक है तो आपको यहाँ पे वैल्यू शो करना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू शो करना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू शो करना चाहिए। अब हम इसको चेंजर चेक कर लेते हैं। देखिए चेंजर में क्या होता है, एक जो पिन है, ये जो बीच वाली पिन है यहाँ पर, ये पिन दोनों में से एक जगह पे जो ये शॉर्ट होगी और एक जगह ओपन होगी। तो देखते हैं कौन सी शॉर्ट है कौन सी ओपन। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डायोड मोड पे लगा के इसको बीप मोड पे लगा देंगे। तो ये बीप मोड पे हो गया, तो देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे बीप बज रही है, यानी कि ये जो पिन है यहाँ से अभी शॉर्ट है और यहाँ से ये अभी ओपन होगी, यहाँ पर ये आपको कोई वैल्यू नहीं शो करेगी, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो पिन है यहाँ पे शॉर्ट है, जब जब ये कॉयल ऑपरेट होगी, ऑन होगी ये, ठीक है, तो क्या होगा कि इस जो चेंजर यहाँ पे जो सटा हुआ है यहाँ पे, इसको ये इस पे ले आएगी, यानी कि इस तरीके से चेंज करेगी। जब ये ऑन होगा तो ये जो यहाँ से हट करके ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक कॉयल को, सॉरी आप एक रिले को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो है हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करेंगे। देखिए हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है, सॉरी एक रेजिस्टेंस ये है, करके आपको दिखाऊंगा कि आपको ये रेजिस्टेंस कैसे चेक करनी होती है। देखिए रेजिस्टेंस जो है नॉन पोल होती है, इसमें कोई पोल नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, आप यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी चेक करेंगे वैल्यू सेम आनी चाहिए। ऐसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये असेंबली रेजिस्टेंस है, ये बड़ा रेजिस्टेंस है कलर कोड वाला, और ये जो रेजिस्टेंस है ये असेंबली है, जो कि अब जो नए सर्किट आते हैं जो सरफेस के ऊपर हॉट गन से चिपकाई जाती है रेजिस्टेंस, वो ये वो है। दोनों को चेक करने का तरीका सेम होता है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि अभी ये हमारा मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस पे सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है आपको वैल्यू, आपको दिखाई दे रही है कि 0.471 मेगा ओम, यानी कि ये रेजिस्टेंस जो है 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे इसको फंक्शन करूँ, यहाँ पे 470 है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर होगा, इससे कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे है मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए आप इसकी अगर कलर कोड यहाँ पे समझेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहला कलर कोड जो है आपका ये येलो है, दूसरा जो है ये वॉलेट है, ठीक है, तीसरा जो ब्लैक है, और चौथा जो है वो ऑरेंज है। तो जो हमारा जो कलर कोड जो बनता है, जो पहला जो कलर आ रहा है उसका जो है जितना भी नंबर होता होगा वो लिखते हैं, जैसे कि ये 4 है, येलो को 4 से काउंट करते हैं तो 4 हो गया, वॉलेट है वॉलेट को 7 से काउंट करते हैं तो 7 हो गया, थर्ड जो ब्लैक है इसको 0 से काउंट करते हैं तो 0 हो जाएगा, फोर्थ जो है ये ऑरेंज है तो ऑरेंज को 3 से काउंट करते हैं तो यहाँ पे 3 ना लिख करके यहाँ पे 3 0 लगेंगे, ठीक है, 3 0 लग जाएंगे। 3 0 बराबर होता है अपना के, किलो ओम को हम 3 0 से काउंट करते हैं किलो ओम को, अगर मेगा ओम काउंट करेंगे तो यहाँ पर 6 0 होंगे, ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस के कलर कोड दोस्तों अगर नहीं आते हैं निकालने, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो देखेंगे, आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। मैंने उस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया कि आपको ऑनलाइन कैसे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे आपको चार्ट वगैरह और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनसे आप रेजिस्टेंस के कलर कोड हो गए या उसके वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हो गए, बहुत सी चीज़ें कैलकुलेशन आप बड़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को यहाँ पे नाप सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम दूसरा रेजिस्टेंस असेंबली वाला है, इस रेजिस्टेंस को कैसे नापेंगे। देखिए इसको भी नापने के लिए हमको क्या करना है, मल्टीमीटर को दोनों इसके दोनों साइड लगाना है, तो देखेंगे और इसकी वैल्यू जो है आनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा जो है मैंने जूम कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर कवर नहीं हो पा रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीमीटर को, आप इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू आने वाली है, तो देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखिए वैल्यू कुछ जा रही है यहाँ पे, ये 4.6 4.5 आया, तो ये 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो इस पर जो नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, ये नंबर मैं अभी बार देख लेता हूँ कितना नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें 4R7 लिखा हुआ है, यानी कि 4 हो गया, R का हो गया, जो जो लगेगा वो पॉइंट लगेगा, और यहाँ पर 7 पीछे लिखा हुआ है, यानी 4R7 का रेजिस्टेंस है ये। असेंबली रेजिस्टेंस पे कुछ पे वैल्यू यहाँ लिखी होती है, कुछ पे वैल्यू नहीं लिखी होती है, तो जिन पे वैल्यू नहीं लिखी होती है उनको सर्किट डायग्राम के अंदर जाकर देखना पड़ता है कि कितने ओम की रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक ये है, ये भी दोस्तों एक रेजिस्टेंस है, ये ट्रिमर बोलते हैं इसको, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रिमर है,
तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये वन, इसमें जो है ये 1 मेगा ओम का जो ट्रिमर है, ये 105, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1 का 1 आएगा, 0 का 0 आएगा और 5 आएगा, इसके जो जितने भी काउंट होगा उसका उतना ही 0 लग जाएगा, यानी कि 5 0 हो गया और 1 0 होगा, ये 6 0 मिल करके हो गया हमारा 1 मेगा ओम। ठीक है, तो ये 1 मेगा ओम का एक ट्रिमर है जो कि सिंपल आपको दोनों पिनों पर ऐसे इसको टच करना है। ठीक है, टच करके आपकी जो वैल्यू, पूरी वैल्यू जो भी ट्रिमर की होगी वो दिखाई देगी। जैसे 1 मेगा ओम का ट्रिमर है तो 1 मेगा ओम की यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ट्रिमर मूव करा करके जो है इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे लगा करके जो भी इसकी वेरिएबल वैल्यू होगी वो दिखाई देगा। जैसे एक साइड पे आपको 900 समथिंग दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड पे हम चेक करें तो दूसरी साइड पे 200 कुछ दिखाएगा। देखिए, हाँ ठीक है, इस तरीके से यहाँ वैल्यू है। इस तरीके से इस जब ट्रिमर को हम मूव कराएंगे, इधर उधर घुमाएंगे, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो ट्रिमर ठीक है आपका, वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो ट्रिमर खराब है, या फिर ये इन दोनों पर पूरी ट्रिमर की वैल्यू नहीं दिखा रहा तो भी खराब है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से जो है आप ट्रिमर को चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, इस तरीके की कॉइलें होती है हमारे पास, कुछ कॉइलें हमारी मदरबोर्ड के अंदर लगती हैं, ये जो कॉइल हैं, ऐसी कॉइलें भी हमारे मदरबोर्ड पे लगती हैं। तो अब इन कॉइलों को कैसे हम चेक कर सकते हैं, इन कॉइलों को भी देखिए किस तरीके से चेक किया जाता है। देखिए, कॉइलें जो होती हैं हमेशा जो है आपको बीप देंगी, तो बीप देने के लिए देखिए आपको इसको यहाँ चेक करना पड़ेगा डायोड मोड पर, आपको बीप मोड पर ले आना है। देखिए, इस तरीके बीप आ रही है, तो अब इसको यहाँ पर लगा के चेक करना है। देखिए, यहाँ बीप है और ऐसे इसमें भी बीप आएगी। तो अगर इस तरीके की बीप आ रही है आपकी कॉइलों में, तो आपकी कॉइलें बिल्कुल परफेक्ट ओके हैं। आपको बिल्कुल इस तरीके से कॉइलें, कोई भी कॉइल होगी, चाहे कार्बन कॉइल हो चाहे वह वायर वाली कॉइल हो, जैसे इस कॉइल के अंदर जो है, देखिए इस कॉइल के अंदर जो है, अंदर इसको खोल के देखेंगे तो अंदर वायर जो है कॉपर की वायर लिपटी हुई है। ठीक है, तो ये कॉइल जो है वायर वाली है, तो यहाँ पर दूसरी कॉइल जो है ये वाली, ये भी वायर वाली कॉइल है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है इसके अंदर कॉपर का वायर लिपटा हुआ है अंदर। इसी तरीके से कुछ कॉइलें कार्बन वाली आती हैं, तो कार्बन वाली कॉइल को भी सेम इसी तरीके चेक करना है। इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, बीप बजनी चाहिए, बीप बज रही है तो ठीक है, बीप नहीं बज रही है तो वो खराब हो गई है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद जो है अपने डायोड की। ठीक है, तो ये डायोड है हमारा, हम डायोड मोड पर मैं सेट कर लिया। अब डायोड को कैसे चेक करते हैं, देखिए डायोड हमारा ये रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायोड को हम चेक करेंगे इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर जो है आपका डायोड कुछ वैल्यू शो नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम इसको घुमाकर यहाँ चेक करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये जो तरीका है इसको चेक करने का, बिल्कुल परफेक्ट यही तरीका होता है डायोड को, कि आपका जो डायोड है एक साइड पे तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए और एक साइड पे वैल्यू बिल्कुल जीरो रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल वैल्यू जीरो है। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है मल्टीमीटर के अंदर। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है मल्टीमीटर के अंदर, और डायोड का हम घुमा देंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको सभी डायोड ऐसी तरीके से चेक किए जाते हैं। अगर दोनों साइड पर अगर वैल्यू आ रही है तो भी डायोड खराब है, या फिर कहीं से कोई भी मूवमेंट आ रही है किसी भी साइड पर, यानी कि एक साइड पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, और अगर यहाँ पर भी कुछ भी मूवमेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि या तो शॉर्ट दिखाई दे रहा है या फिर मूवमेंट कुछ दिखाई दे रही है, तो आपका डायोड खराब हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अगर दोनों साइड पे बिल्कुल 0-0 दिखाई दे रहा है तो भी डायोड आपका खराब हो चुका है। तो आप इस तरीके से कोई भी डायोड चेक कर सकते हैं। कि यहाँ पे जो है इस डायोड के अलावा हमारे पास एक डायोड ये भी है, देखिए ये छोटा सा डायोड है, ये असेंबली डायोड इसको कहते हैं। ठीक है, तो सेम तरीका यही है इसको भी चेक करने का। देखिए, इसको हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरफ अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है यहाँ पे इस जगह पे, और मैं अगर इसको पलट कर चेक करूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है इस तरीके से, और अगर हम इसको पलट देंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो कोई भी डायोड होगा दोस्तों इसी तरीके से चेक किया जाएगा, उसकी एक साइड पे वैल्यू आएगी, एक साइड पे वैल्यू नहीं आएगी। अगर एक दोनों साइड पे वैल्यू नहीं आ रही तो भी डायोड खराब है, अगर दोनों साइड पे वैल्यू आपको शो कर रहा है तो भी डायोड आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी डायोड को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम बात कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है ये दो मॉस्फेट हैं, तो हम ये दोनों मॉस्फेट भी चेक करने का तरीका देख लेते हैं। मॉस्फेट कैसे चेक करेंगे, देखिए मॉस्फेट भी चेक करने का सेम तरीका है, कि डायोड मोड पर ही आपको चेक होगा ये मॉस्फेट भी। ठीक है, तो इसको देखिए चेक करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। देखिए आप यहाँ पर इसमें जो है एक गेट होगा, एक सोर्स होगा, एक ड्रेन होगा। तो यहाँ पे जो हम चेक करते हैं डायोड इसके मॉस्फेट के अंदर, तो ड्रेन टू सोर्स या सोर्स टू ड्रेन हम चेक करते हैं, गेट हमारा सेपरेट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे इस तरफ लगा करके, तो यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे चेक करें देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पलट कर चेक करूँ इस तरीके से, ठीक है यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर समथिंग कुछ आ रहा था, लेकिन देखिए अभी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उस तरह से चार्ज हो गया होगा इसलिए यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा था। अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि ये वाला जो है हमारा जो है ये गेट है, इसका ये गेट है। ठीक है, तो गेट हमारा हर हालत में नहीं बोलना चाहिए, ना तो सोर्स के साथ ना ड्रेन के साथ। और यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है। तो सेम जैसे डायोड हमने चेक किया दोस्तों, इसी तरीके से हमारा ये हमारा मॉस्फेट भी चेक होगा। ड्रेन टू सोर्स जो है आपको ये चेक करना है, तो ये एक साइड पर आपको बोलना चाहिए, दूसरी साइड पर नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि यहाँ बोला था, अभी मैं यहाँ चेक करूंगा तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि ये जो मैं अभी गेट चेक कर रहा था ये चार्ज हो गया था। अब देखो आप चेक करूंगा, अब ये नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है
अपना मॉस्फेट चेक करना है। सेम तरीका देखिए, ये भी मॉस्फेट चेक करने का, यहाँ पे आपको 8 पिने दिखाई देंगे, लेकिन ये 8 पिने नहीं है, ये कुल मिला के 3 पिने है। जैसे इसके अंदर 3 पिने हैं, इस डायोड के अंदर आपको देख सकते हैं, A1, 2, 3, ये 3 पिने हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर भी ये 3 पिने हैं, ठीक है। तो आप जब इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे आप, तो आपको दिखाई देगा कि ये पिने 3 ही होती हैं, 8 पिने नहीं होती है। तो सेम इसको भी इसी तरीके चेक करना, देखिए ऐसे एक साइड बोलेगा एक साइड नहीं बोलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो, यहाँ पर जो वैल्यू इसकी आ रही है, ठीक है। और अगर हम इसको पलट दें इस तरीके से, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। और इसको चेक कैसे करना होता है दोस्तों, मैं दिखा दूँ। देखिए ये जो हमारे पास मॉस्फेट है, इसमें एक साइड पे इसका नाच बना होता है, यानी निशान बना होता है। निशान के बिल्कुल लास्ट में जो पिन होगी वो हमारा गेट होगा, ठीक है। या इस वाली पिन को किसी भी पिन के साथ कनेक्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली पिन किसी भी पिन के साथ कनेक्टिंग नहीं होनी चाहिए। ड्रेन टू सोर्स या सोर्स टू ड्रेन ये वैल्यू करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि गेट किसी के साथ टच नहीं होना चाहिए। ड्रेन टू सोर्स या सोर्स टू ड्रेन जो आपको वैल्यू शो करेगा, और वैल्यू एक ही साइड शो करेगा, या तो ड्रेन टू सोर्स करेगा या सोर्स टू ड्रेन करेगा। और इसमें जो है दो तरीके के मॉस्फेट आते हैं, एक एन आता चैनल आता है, एक पी चैनल आता है। तो जैसे कि अगर एन चैनल आपका सोर्स टू ड्रेन वैल्यू शो कर रहा है, मान लीजिए देखिए हमारे पास ये इस तरीके से है, ठीक है। अब मान लीजिए एक जो मॉस्फेट आपका पी चैनल है वो इस तरीके से वैल्यू शो कर रहा है, तो एन चैनल जो है बिल्कुल इसके अपोजिट शो करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। लेकिन वैल्यू का तरीका वही है कि एक ही साइड पर आना चाहिए, दोनों में से दोनों साइड नहीं होना चाहिए, या फिर सारी पिने आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, सारी पिने आपस में कनेक्टिंग नहीं होनी चाहिए। बस ये तरीका इसको चेक करने का, ठीक है। अब बात करें दोस्तों हमारा कैपेसिटर, सॉरी हम अभी डायोड को मोड डायोड पे लगा रखा था, हम डायोड ही चेक करेंगे। देखिए अभी हमारे पास क्या है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को दोस्तों हम चेक कर सकते हैं, डायोड मोड पर ही चेक करेंगे इसको भी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक एमिटर होता है, एक बेस होता है, और एक कलेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेस टू हम चेक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लगाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पे लगा के हम चेक करेंगे, कुछ यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ चेक, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, और ऐसे जो है यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो सेम यही तरीका, देखिए ये भी इस तरीके से चेक होता है कि एक साइड पे जो है आपका वैल्यू आनी चाहिए, एक साइड पे वैल्यू कुछ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से चेक होगा ये भी। अगर ये भी दोस्तों अगर सब सारी पिनें जो आपस में वैल्यू शो कर रही हैं, तो आपका ट्रांजिस्टर खराब हो गया है, ठीक है। इसका दोस्तों हम देखते, देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे जो और कंपोनेंट हैं, ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये, अब हमारे पास कैपेसिटर है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कैपेसिटर के लिए इसको कैपेसिटर मोड पर सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको लगा के चेक कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू शो कर, वरना कैपेसिटर दोस्तों डिजिटल मीटर पर मैं चेक करता हूँ तो बहुत कम वैल्यू शो करता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या शो करेगा अभी फिलहाल। तो हम तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ कैपेसिटर इस तरीके से वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। 10 MFD का कैपेसिटर यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 MFD का कैपेसिटर यहाँ ये इसको शो कर रहा है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों आप इसको घुमा के लगाएंगे तो घुमा के लगा के भी देखिए सेम ही वैल्यू आता है, वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होता है इसका। लेकिन इसको चेक करने के लिए दोस्तों डिजिटल मीटर जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो सिर्फ आप ये चेक कर सकते हो कि यार ये कहीं से कुछ रस्टेड तो नहीं है, गंदा तो नहीं है, और वैल्यू चेक शो कर लो इसका, चेक कर लो कि पूरा शॉर्ट तो नहीं है, यानी कि यहाँ पे 0-0 वैल्यू तो नहीं शो कर रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से चेक कर लो, अब यहाँ पे देखिए 10 दिखा रहा था, अब ये 15 दिखा रहा है। तो थोड़ा सा कैपेसिटर को चेक करने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। इससे अच्छा तो आप जो है इसको जो एनालॉग मीटर होते हैं आपके क्वाइल वाले, यानी कि जो सुई वाले मल्टीमीटर होते हैं, आप उससे अगर कैपेसिटर को चेक करेंगे ना, तो वो जो है अच्छी तरीके से वहाँ पे कैपेसिटर की आपकी वैल्यू यहाँ पे शो हो जाती है। तो डिजिटल मीटर पे जो है कैपेसिटर को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता ही है, वैल्यू जो है बार बार वो शिफ्ट होती रहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कैपेसिटर में जो वोल्टेज होते हैं वो चार्ज डिस्चार्ज होते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे वो वैल्यू भी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा कैपेसिटर, ये देख लीजिए कैपेसिटर जो है आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर कैपेसिटर बिल्कुल शॉर्ट हो गया है तो कैपेसिटर आपका खराब है, ठीक है। ये चीज़ है, देख लीजिए कैपेसिटर पे हमेशा जो है अगर जब भी आप चेक करेंगे तो आपको इस तरीके की बीप नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसी बीप मिल रही है तो आपका कैपेसिटर खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये नॉन पोल कैपेसिटर है, इसी में जो है आपको दूसरे कैपेसिटर मिलेंगे जो पोल वाले होते हैं इस तरीके से। देखिए ये वाले कैपेसिटर होते हैं, कुछ ऐसे कैपेसिटर भी आते हैं जो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन चेक आप जो है डिजिटल मीटर से दोस्तों वैल्यू अप डाउन होती रहती है, चेक करने के लिए आपको जो है एनालॉग मीटर ले लीजिए, वहाँ उससे आराम से ये चेक हो जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों बात करते हैं हम अपने क्रिस्टल की। इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन होती है दोस्तों इस कंपोनेंट्स के बारे में कि यार ये कैसे चेक किया जाता है, क्या तरीका है। तो देखिए इसका मैं बता दूं कि मल्टीमीटर से तो फिलहाल इसको भी चेक करने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। बस इसको दोस्तों पिने इसमें बहुत छोटी हैं, मैं मल्टीमीटर से जो चेक नहीं कर पा रहा हूँ इसको।
तरीका दोस्तों मैं बताता हूँ कि मल्टीमीटर पे जब भी आप इन दोनों पिनों को लगाएंगे, मल्टीमीटर की पॉइंट पे लगाएंगे, तो आपके मल्टीमीटर पे कुछ भी शो नहीं होना चाहिए, ना तो इस साइड पे ना इस साइड पे, दोनों साइड अलट पलट के लगाएंगे तो यहाँ मल्टीमीटर पे कोई भी वैल्यू यहाँ शो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है तो आपका जो है क्रिस्टल ये ठीक हो सकता है, और अगर कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है ये तो आपका क्रिस्टल 100% खराब हो गया, आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप ये कुछ कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए जो आप चेक कर सकते हैं।